वही बुरहानपुर जिले के नावरा परिक्षेत्र से केले के खेत में एक नर तेंदुए को अर्ध बेहोशी की हालत में रेस्क्यू किया गया। तेंदुए की हालत इतनी खराब थी कि उसके पिछले दोनों पैर पर काम नहीं कर पा रहे थे। ऐसी स्थिति में तेंदुए को बिना संपूर्ण संसाधनों के रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू करने के उपरांत ऐसा लग रहा था कि शायद यह तेंदुआ वापस चल नहीं पाएगा। उसे बेहतर इलाज के लिए इंदौर जू में भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने कैनाइन डिस्पेंसर बीमारी की संभावनाओं को देखते हुए अलग रखने की सलाह दी। तेंदुए को रला मंडल अभ्यारण्य में आइसोलेशन में रखा गया। वहीं जू के डॉक्टर्स द्वारा लगातार निगरानी की गई और उपचार भी किया गया। लगभग 12 दिन के बाद आज तेंदुए को स्वच्छंद विचरण के लिए वन क्षेत्र में रिलीज किया गया।